welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? I hope आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे, happy होंगे. आज Friday है और बहुत ही relaxed morning है. It's 8:10 right now और मैं अभी बस थोड़ी देर पहले उठी, फिर आपने देखा जैसा कि मैंने workout किया, अभी मैं अपना lemon water पी रही हूँ. Because Anshul travel कर रहे हैं, he is not at home, तो सब कुछ आराम से chilling तरीके से चल रहा है, क्योंकि कोई किसी को कहीं जाना नहीं है, तो सब बहुत मज़े में काम हो रहा है. और सॉरी फॉर माई बैड वॉइस, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से मेरे कान और नाक दोनों चीज़ें बंद हैं. तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, तभी मुझे भी सुनाई दे रही है अपनी आवाज़. सो प्लीज़ बेयर विद दिस बैड वॉइस ऑफ माइन. तो चलिए अभी मैं अपना लेमन वाटर पीती हूँ और उसके बाद फिर हम अनिरुद्ध को उठाएंगे और ब्रेकफास्ट बनाएंगे. सो फ्रेंड्स, आज ट्यूसडे है जब मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ. इट्स ऑलमोस्ट 4 डेज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, एंड दैट इज़ व्हाई यू वर नॉट सीइंग एनी वीडियो ऑन माय चैनल. बट नाउ आई एम डूइंग परफेक्टली फाइन, सो अब आप लोगों को मेरे रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे. सो कमिंग बैक टू फ्राइडेज व्लॉग, बस मैंने अभी अपना मॉर्निंग ड्रिंक ख़त्म किया है और मैं किचन में आई हूँ. अभी मैं बना रही हूँ बेसन चीला, और देखिए मेरा बेसन भी बस ख़त्म ही हो गया है. वीकेंड आते आते मेरे घर में सब वेजीज़ ख़त्म हो जाती हैं, तो आज मेरे पास ज़्यादा वेजीज़ भी नहीं थी. थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज डाला है, थोड़ा सा धनिया और ग्रीन चिली, और मसालों में मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, हींग और टर्मरिक पाउडर ऐड करती हूँ. बस इसी से मैं बैटर बनाती हूँ अपने बेसन चीले का. और ये मेरी कुछ गो टू रेसिपीज़ होती हैं, जैसे कि बेसन चीला हो गया, पोहा हो गया, उपमा, ये अक्सर मेरे घर में मॉर्निंग में बनता है. और साथ ही साथ मैंने अदरक इलायची वाली चाय भी चढ़ा दी है. मैं और गोविंद दोनों ही चाय पियेंगे, क्योंकि दोनों का ही गला थोड़ा सा ख़राब ही है. अदरक इलायची वाली चाय से गला बहुत जल्दी ठीक हो जाता है. बस फर्स्ट सिप जब आप लेते हैं चाय की, तो थोड़ा सा उसमें काला नमक डाल के पीजिए, तो गला बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, ऐसा मेरी मम्मी कहती हैं. तो अभी ब्रेकफास्ट बन रहा है और मैं शैतान को उठाने आई हूँ. ये बहुत टैंट्रम्स थ्रो करता है उठने में. ही इज़ एग्जैक्टली लाइक मी. मैं बचपन में इसी तरीके से बहुत टैंट्रम्स थ्रो करके बहुत टाइम लगा के उठती थी. कभी मेरी मम्मी उठाती थी, कभी पापा उठाते थे. अक्सर पापा उठाते थे, वो तो क्या करते थे कि विंटर्स में रजाई हटा देते थे, तय करके रख देते थे, और समर्स में एसी और फैन ऑफ कर देते थे, तो हम लोग उठ ही जाते थे. तो देखिए बहुत देर मशक्कत करने के बाद वो उठ गया है अभी, और अभी भी उसको गोदी में थोड़ा सा लेज राउंड करना है. और यहाँ पे मेरा बढ़िया सा गर्मा गर्म चीला भी बन गया है. हमारा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनके एकदम तैयार है, और ये मेरा लिटिल बॉय भी तैयार है ब्रश करके ब्रेकफास्ट करने के लिए. ब्रेकफास्ट करोगे? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको हर रोज लाइक लास्ट 3 डेज से इवनिंग में फीवर आ रहा है. जैसे 5:30 बजते हैं, ही गेट्स इनटू दैट फेज ऑफ फीवर, एकदम लो हो जाता है, गोदी में आके बैठ जाता है. सो ट्यूजडे को तो मुझे लगा कि शायद उसको स्कूल फीवर है, तो स्कूल फोबिया है, इसीलिए उसे फीवर आ रहा है. बट फिर हमने इसको स्कूल नहीं भेजा. फिर वेंसडे को भी शाम को यही हुआ, तो अंशुल और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गए. फिर हम लोगों ने इसके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ली, तो आज की अपॉइंटमेंट मिली है. आज मुझे जाना है, 2:30 पे अपॉइंटमेंट है, तो देखते हैं क्या निकलता है, क्योंकि इसके सारे टेस्ट जो हुए थे वो तो सब नेगेटिव आए थे. सो आई एम अ लिटिल स्केयर्ड. तो बस मेरा अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, घर क्लीन कर लिया है मैंने. अभी मैं गोविंद को थोड़ी देर खिला रही हूँ. वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है, डैडी को याद कर रहा है, कल उसके डैडी गए थे एंड आज लेट नाइट ही आएंगे जब वो सो जाएगा. तो जैसे ही कोई कार आके रुक रही है बाहर पार्किंग लॉट में, उसे लग रहा है डैडी आ गए. वो अपने डैडी को बहुत मिस करता है अगर बहुत टाइम तक ना देखे तो. तो सोचा उसके साथ ये बबल्स बनाऊँ, उसे बबल्स बनाना बहुत पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद था बचपन में. हम लोग स्केच पेन की बॉडी से बबल्स बनाते थे, मुझे अभी तक याद है. अगर आप लोगों ने भी बबल्स बनाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो बस थोड़ी देर खेलने के बाद अभी हम लोग शावर लेने जा रहे हैं. और मेरे पास आपके लिए एक टिप है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं समर्स में, तो जब भी आप शैम्पू करते हैं उसमें आप जस्ट 1 टीस्पून हनी इस तरीके से मिक्स करके फिर शैम्पू को डाइल्यूट करके अप्लाई करिएगा, आपके बाल बहुत स्मूथ हो जाएंगे. Good job.
कैन यू प्लीज टेल मी द कलर्स ऑफ दीज कीज. चलो स्टार्ट से मुझे कलर्स बताओ. विच इज दिस कलर? गुड. नेक्स्ट वन? गुड. देन नेक्स्ट? गुड जॉब. देन दूसरा ग्रीन. ओके. देन येलो. गुड. ऑरेंज. गुड. रेड. गुड. गुड जॉब. तो अभी मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ और आज लंच में मैं बहुत ही सिंपल वेजिटेबल खिचड़ी बना रही हूँ. इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है. बहुत ही सिंपल है. जो भी वेजीज हो आपके पास, बस वो चावल और मूंग दाल या तो येलो वाली या जो कवर के साथ होती है ग्रीन वाली, उसके साथ आप खिचड़ी बना सकते हो. बहुत ही अच्छी लगती है. और जैसे कि आप जानते हो, मेरी और गोविंद दोनों की ही तबीयत ठीक नहीं है, तो जब तबीयत ठीक नहीं होती तो खाने में भी टेस्ट नहीं आता ना, इसीलिए मैंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं, ईजी रहेगी दोनों के स्टमक पे. अनियन, टमेटो, पालक जो भी मेरे पास था सब मैंने चॉप कर लिया है और बस थोड़ा सा तड़का बना के और मैं ये चावल और दाल डाल दूंगी और खिचड़ी बन जाएगी. तो देखिए यहाँ पे मेरी सारी वेजीज जो हैं सॉटे हो चुकी हैं. अब इसमें मैं जस्ट थोड़ा सा हल्दी पाउडर और सॉल्ट ऐड कर दूंगी और साथ ही साथ जो मूंग दाल और चावल मैंने भिगा के रखा था वो भी ऐड कर दूंगी और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी. दिस इज़ अ वेरी नाइस रेसिपी फॉर दोज मॉम्स जिनके बच्चे वेजीज खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि आइडियली आप इसमें कोई भी वेजी ऐड कर दो, बच्चों को पता नहीं चलता कि वो क्या वेजीज खा रहे हैं और वो खिचड़ी अक्सर खा लेते हैं. तो ये बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी होती है जिस जो बच्चों को बहुत पसंद आती है. तो बस मेरी खिचड़ी अभी बन रही है, थोड़ा सा टाइम है किल करने का, तो सोचा गोविंद के साथ थोड़ी कलरिंग करती हूँ बैठ के. गोविंद को कलरिंग करना भी बहुत पसंद है और मैंने ये ट्रायंगुलर शेप के क्रेयॉन्स लिए थे वॉलमार्ट से फॉर जस्ट $2 or $3. एंड अगर आप अपने बच्चे को पेंसिल होल्ड करना सिखा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विथ क्रेयॉन्स, बिकॉज क्रेयॉन्स जो होते हैं थोड़े से थिक होते हैं तो बच्चे अपने आँख वगैरह में नहीं मारेंगे. एंड एट द सेम टाइम ट्राइंगुलर शेप के अगर आप लोगे तो बच्चों को होल्ड करने में ईजी रहता है एंड दैट्स हाउ दे लर्न टू होल्ड द पेंसिल. मैंने भी गोविंद के साथ क्रेयॉन्स से स्टार्ट किया था एंड दीज आर द ओनली क्रेयॉन्स विद विच आई स्टार्टेड. और ये कलर्स सिखाने के लिए भी बच्चों को बहुत काम आते हैं, तो आप कलर्स दिखा दिखा के बच्चों को जब बार बार बताएंगे तो बच्चे कलर्स भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं. तो अभी हम बस रैंडम शेप्स ड्रॉ करके उसमें कलर फिल कर रहे हैं. उसको अभी कलर फिल करना नहीं आता, उसको मैं कलर फिल कराती हूँ हाथ पकड़ के. तो देखिए यहाँ पे मेरी वेजी खिचड़ी भी बनके रेडी हो गई है. ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, स्पेशली जब आप अपने बच्चों को देते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा इसमें देसी घी ड्रिजल करके दें और साथ में दही के साथ इसे जब सर्व करेंगे तो ये कंप्लीट एक होलसम मील बन जाता है. और अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तब भी आप इसे खाएंगे तो आपको ये कम्फर्टिंग फूड लगेगा. ईजी रहता है बहुत स्टमक में डाइजेस्ट होना भी, तो मैंने सोचा कि यही आज बनाती हूँ. और बस लंच करने के बाद हमारी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है तो आज मैंने कैब की है और कैब भी आ गई है तो अभी हम लोग निकल रहे हैं. और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस का क्या हुआ. सो फ्रेंड्स, मैंने ड्राइविंग सीख ली है और मैं मेन रोड्स पे निकाल लेती हूँ. इट्स जस्ट दैट कि हम लोगों को मॉर्निंग में अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम MVD ऑफिस जाएं और अपना ड्राइवर्स टेस्ट दें, बट आई एम ट्राइंग कि मैं इस वीक अपना ड्राइवर्स लाइसेंस ले लूँ एंड फिर मैं आपको अपनी ड्राइविंग दिखाऊँगी. अब मैं मेन रोड्स पे ड्राइव कर लेती हूँ. इट्स जस्ट दैट कि मुझे लेन चेंजिंग में और पार्किंग लॉट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट वो टाइम के साथ वो भी ठीक हो जाएगी. तो देखिए अभी हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर्स क्लिनिक. अभी मैं अपनी शाम की चाय पी रही हूँ. एक्चुअली आई एम नॉट वेरी एडिक्टेड टू टी, बट आज मुझे बहुत हेडेक हो रहा था
यहाँ की धूप बहुत ज़्यादा हार्श होती है, तो मुझे अक्सर धूप में से आने के बाद हेडेक हो जाता है, तो मैंने सोचा चाय पीती हूँ। अभी 5:20 हुआ है और बस मैंने अनिरुद्ध को सुलाया है अभी अभी। तो डॉक्टर का ये अपडेट था कि उसको कुछ थ्रोट इन्फेक्शन है, इट इज़ अ काइंड ऑफ वायरल एंड दैट विल गो अवे ऑन इट्स ओन, तो ही इज़ कम्प्लीटली फाइन, ही विल बी फाइन इन द अपकमिंग वीक। सो उसकी तरफ से मेरी सारी टेंशन अब ख़त्म हो चुकी है। और अच्छी बात ये है कि मैं अंशुल को कन्विंस कर पाई कि वो मेरे साथ एक वीडियो बनाएंगे। मैं प्लान कर रही हूँ कि एक Q&A/हस्बैंड टैग वीडियो बनाऊँ, बिकॉज मैंने अपने चैनल पे इस टाइप की कोई भी वीडियो नहीं बनाई एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स मेकिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज। सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू मेक दिस वीडियो एंड मैंने बहुत मेहनत से अंशुल को कन्विंस किया है मेरे साथ वीडियो में आने के लिए। सो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेरे लिए छोड़िएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DMs कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेजेस कर सकते हैं, या फिर मैं एक कम्युनिटी एंड इंस्टाग्राम पोस्ट अलग से भी बनाऊंगी इस पर्टिकुलर Q&A वीडियो के लिए, तो आप अपने क्वेश्चंस वहां पे भी मेरे लिए छोड़ सकते हैं। तो मैं सबके क्वेश्चंस को लेके एक वीडियो बनाऊंगी बहुत ही जल्दी। सो प्लीज़ 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 अपने क्वेश्चंस जरूर छोड़िएगा एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि अंशुल मेरे साथ बैठ के वीडियो बनवाएंगे। ही इज़ नॉट अ कैमरा शाय पर्सन, बट ऐसे एक साथ बैठ के हम लोगों ने कभी वीडियो वगैरह नहीं बनाई, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज डिनर में कुछ ऐसा स्पेशल मैं बनाऊंगी नहीं, सिर्फ दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि अंशुल बहुत लेट आएंगे एट अराउंड 1:00, तो उतनी रात को तो कुछ हैवी खा नहीं पाएंगे, तो बहुत ही सिंपल डिनर बनेगा, तो वो तो मैं बाद में ही बनाऊंगी एंड अभी थोड़ा सा अपना चाय इन्जॉय करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।